सुबह हो चुकी है गाइस फाइनली इस हॉरर हॉन्टेड लॉस सैंटोस के अंदर, और अभी अच्छा लग रहा है भाई। तुम्हें तो पता ही होगा कल मेरे साथ क्या क्या सीन हुआ भाई। जिधर मैं जाता हूँ उधर भाई मुझे वो घोष दिखाई देता है। सबसे पहले तो देखो गाइस उस घोष ने मेरे ऊपर हमला किया था और मेरे को कहीं तो पहाड़ों पे फेंक दिया था माउंट चिलियाट के वो अटैकर विलेज के बगल में। वहां से उठ के मैं किसी तरीके से घर पहुंचा, तभी मेरे को याद आया कि जो मेरा फोन है उसमें मैंने रिकॉर्डिंग की है भाई उसके रिलेटेड, उस घोष्ट के रिलेटेड। तो मैं गया अपना फोन लेने के लिए और जब मुझे वो फोन मिला तो वो फोन बिल्कुल भी चल नहीं रहा था, बुरी हालत में था फोन वो। तो मैंने सोचा चलो रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर वाली दुकान पे गया तो वहाँ सारे बंदे भूत के अंदर चेंज हो गए। फिर उससे रिलेटेड कंप्लेंट करने गया तो वहाँ पुलिस वाले भी सारे भूत बन गए भाई। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्कैरी थी और ये चीज़ फर्स्ट टाइम मेरे संग हुई है लॉस सैंटोस के अंदर। अब जैसे ये सब चीज़ें हुई फिर मैं भागा भाई यहाँ लॉस सैंटोस छोड़ के, और रास्ते में इधर उधर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुझे वो घोस्ट ही नजर आ रहे थे। फाइनली किसी तरीके से मैं यहाँ पहुँच गया इस झरने के किनारे और यहीं मैं सो गया भाई, और सुबह हो चुकी है फाइनली एंड एवरीथिंग सॉर्ट आउट। देख सकते हो यहाँ पर बाकी बंदे जो दिख रहे हैं मुझे अभी काफी नॉर्मल बंदे नजर आ रहे हैं। यस यू कैन क्लियरली चेक भाई एक नॉर्मल बंदा है यहाँ पर, सामने की तरफ भी एक बंदा फिशिंग कर रहा है वो भी एकदम नॉर्मल बंदा है। ठीक है तो अभी सीन एकदम बढ़िया है, अभी ये जो लॉस सैंटोस है हॉन्टेड नहीं है तो अच्छी बात है। मैं क्या सोच रहा था यार, मैं पुलिस वालों के पास तो गया ही, मिलिट्री वालों के पास भी जाना चाहिए, क्या पता वो लोग भूत में चेंज ना हो। और एक और चीज़, मुझे पुलिस वालों के पास एक बार दिन में जाना चाहिए, क्या पता दिन में वो लोग घोस्ट में चेंज ना हो भाई, कुछ भी हो सकता है। इस घोस्ट का जो सीन है भाई वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये घोस्ट चाहता क्या है, मतलब इसकी प्रॉब्लम क्या है। जहां मैं जाता हूँ वहां ये घोस्ट दिखने लग जाता है, पुलिस वालों के पास कंप्लेंट लिखवाने जाओ भाई वहां पुलिस वाले सारे घोस्ट बन जाते हैं, फिर दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, रात को सारी गाड़ियां गायब हो जाती हैं, सारे बंदे गायब हो जाते हैं। तो यही सीन मुझे क्लियरली समझ नहीं आ रहा है और यही फिगर आउट करना है मुझे कि आखिरकार ये भूत सिर्फ दिन में अटैक करता है या रात में भी अटैक करता है, रात में अगर अटैक नहीं करता है तो कहाँ जाता है, ये सारी चीजें। बट अभी सबसे पहले मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, और आई गेस गाइस इस भूत का मैं अकेले सामना नहीं कर सकता, मुझे अपने दोस्तों से बातचीत करनी पड़ेगी, दोस्तों को अपने इस मिशन में, इस भूत को हराओ मिशन में शामिल करना पड़ेगा और तब जाके बात बनेगी। और सबसे पहला जो दोस्त मेरा साथ देगा इस मिशन में वो है माइकल, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ यार इस वक्त माइकल के घर। लेट्स सी मिलता है कि नहीं, अगर घर पे नहीं होगा तो वो डेफिनेटली शोरूम में होगा अपने, लेकिन नहीं यार अभी तो सुबह का टाइम हो रहा है घर पे ही होगा वो। चलो माइकल के घर की तरफ पहुंचने वाला हूँ भाई। यस सामने की तरफ ही है, आ गया वो रहा। चलो भाई इसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं और इसको बताते हैं कि मेरे संग पिछले कुछ दिनों से क्या क्या हो रहा है। चलो भाई माइकल के घर के अंदर चलते हैं, दरवाज़ा तो हमेशा की तरह खुलने नहीं वाला, इसका पता नहीं क्या ही अजीबोगरीब दरवाज़ा है, मुझे तो लगता है कभी कभी इसके दरवाजे में ही भूत है भाई, खुलता ही नहीं है कभी भी, हमेशा मुझे इसके घर में चोरों की तरह घुसना पड़ता है। ओके इनका जो गार्डनर है वो तो है यहाँ पर। हेलो भाई माइकल दिखा क्या, माइकल माइकल बॉस कहाँ है तुम्हारा। हेलो ब्रदर, ओए सुन रहा है क्या नाम है तेरा, माइकल बॉस कहाँ है भाई तेरा। हेलो हेलो सुन रहा है भाई तू, हेलो बंदा पागल हो गया क्या ये, बस सुन ले भाई क्या क्या बात, मैं घास वास साफ कर ली हूँ, जरा मेरी बात सुन यार, बस सुन ले भाई, ये तो सुन ही नहीं रहा और गायब भी हो गया भाई। ये भूतिया चीज़ें अभी भी दिन में भी हो रही है भाई, पता नहीं क्या सीन है, एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पर। ओ ये तो सेम वैसा ही कचरे वाली पेटी है भाई जो मेरे घर पे पड़ी हुई है वो ब्लड वगैरह के साथ। इधर चलते हैं जरा इसका गैराज का गेट, ओ नो अंदर भी वही पड़ा हुआ है भाई, जस्ट लुक एट दैट भाई, यस एग्जैक्टली वही सब कचरे की भाई पेटी वगैरह, वही ब्लड वगैरह। इसके घर के अंदर चलते हैं भाई, वो डर लग रहा भाई मेरे को तो। ओ तेरी, ओ भाई ओ तेरी, ओ नो 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 नो, एग्जैक्टली वैसा ही सब कुछ, मेरे घर के अंदर भी ऐसा ही स्केलेटन, यहाँ भी ऐसा ही स्केलेटन भाई, वैसा ही ब्लड, वैसा ही गार्बेज। माइकल माइकल ब्रदर, माइकल भाई सुन रहे क्या मेरी, घर पे है क्या माइकल, माइकल घर पे है क्या भाई, पता नहीं भाई घर पे है। ओ वो तेरी, क्या क्या है इसके घर पे, सेम वैसा ही हाल क्यों है मेरे घर जैसा भाई, स्केलेटन्स वगैरह वैसे ही लटक रहे हैं। माइकल भाई आर यू हेयर, नहीं भाई माइकल नहीं है यहाँ पे। ओ भाई माइकल का, माइकल भाई हेलो हेलो माइकल, अबे यार माइकल तो दिखा ही नहीं मुझे। ये गार्डनर फिर से आ गया, ओए गार्डनर भाई माइकल कहाँ है कुछ पता है तुझे। ये गार्डनर फिर से गायब हो गया,
भाई माइकल तो घर पे है ही नहीं, और इसके घर पे भी सेम वैसा ही सीन है जैसा मेरे घर पे था, हॉन्टेड। वैसे ही खून, वैसे ही कचरे की पेटी, वैसे ही सब गार्बेज, वैसे ही स्केलेटन्स। डेफिनेटली भाई इसके भी घर पे डेफिनेटली वो भूत आया था। यार क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है ये, पता नहीं भाई क्या ड्रामा है। बहुत ज़्यादा गलत सीन है ये, बहुत ही ज़्यादा। एक काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ मिलिट्री वालों के पास। अब बस एक मिलिट्री वाले ही बचे हैं यार जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और मुझे तो भाई कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सीरियसली मैं भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। रात को तो पूरा लॉस सैंटोस ही हॉन्टेड हो जाता है, लेकिन दिन के टाइम पे मेनली मेरा घर, माइकल का घर देखो हॉन्टेड हो रखा है। यार क्या ड्रामा है ये, एक बार ज़रा मैं अपने घर पे देख के आऊँ, मेरा भी घर इस वक्त हॉन्टेड हो रखा है या नॉर्मल हो रखा है। वेट गाइज, वेट वेट वेट, जस्ट वेट। ओके ओके वेट, यहाँ पर नहीं भाई, यहाँ पर अपने घर पे चलते हैं। इधर तो किसी के भी घर हॉन्टेड नहीं है, सबके घर नॉर्मल ही हैं। तो फिर माइकल का घर क्यों हॉन्टेड है, पता नहीं, कुछ तो लफड़ा है भाई माइकल के संग। माइकल मिलेगा तब पता चलेगा कि सिर्फ उसी के घर पे भूत ने अटैक क्यों किया। ओके वेट, इधर चलते हैं, और ये आ गए भाई अपने घर पे। ओके मेरा भी घर हॉन्टेड ही है भाई इस वक्त, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वैसे ही तबाही, वैसे ही स्केलेटन्स, वैसे ही ब्लड। यस मेरा भी घर हॉन्टेड है, माइकल का भी घर हॉन्टेड है, बट वाई, पूरे लॉस सैंटोस में इतने सारे घर हैं, इन सब के घर क्यों नहीं है हॉन्टेड? मेरे घर के साथ ऐसी क्या पर्सनल दुश्मनी है भाई? और माइकल के घर के साथ किसी का भी घर हॉन्टेड नहीं है, सबके घर नॉर्मल है। व्हाट द हेल इज दिस भाई? चलते हैं मिलिट्री बेस चलते हैं भाई, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो सीन है, समझ में नहीं आ रहा भले ही क्या सीन है, बट कुछ तो सीन है भाई। मैं जा रहा हूँ गाइस इस वक्त मिलिट्री बेस, लेट्स सी मिलिट्री वाले क्या बोलते हैं। चलो चलो भाई चलो चलो। एक तो मेरा फ़ोन रिपेयर नहीं हुआ यार, वो लगता है कि ठीक हो गया बट वो नहीं है ठीक बिल्कुल भी, बल्कि वो चालू भी नहीं हो रहा, ना उसकी स्क्रीन ऑन हो रही है। वरना मिलिट्री वालों को सबूत दे देता मैं कि भाई ये देखो लिटरली में भूत है। अब बिना सबूत के पता नहीं मिलिट्री वाले मेरी बात को समझेंगे या फिर नहीं। खैर ये तो अब पहुँच के ही पता चलेगा। निकलता हूँ गाइस मैं डायरेक्टली अभी मिलिट्री बेस की तरफ। पहुँचने वाले हैं भाई मिलिट्री बेस। ये बाइक कहाँ से लाया था मेरे को तो अब ये भी याद नहीं है। खैर ये रहा मिलिट्री बेस, जस्ट राइट साइड, कम ऑन फास्ट। हाँ ये बाइक मेरे को याद आ गई भाई, ये बाइक मुझे कहाँ से मिली थी? ये बाइक मिली थी भाई जब मेरे को उस घोस्ट ने अटैक करके फेंक दिया था माउंट चिलियार्ड के उस अटैकर विलेज के बगल में, तो वहाँ से एक बंदे से मैंने लिफ्ट ली थी, और उस बंदे की बाइक है ये। यस याद है मुझे। खैर अभी एंटर करते हैं, होप कि यहाँ पर सब हॉन्टेड ना हो। भाई गार्ड्स कहाँ गए मिलिट्री बेस के? पता नहीं भाई, एक भी गार्ड नज़र नहीं आ रहा है। पर गार्ड्स कहाँ चले गए? ओह नो, हैं भाई गार्ड्स हैं। ओ भाई एक पल के लिए तो मैं डर गया यार कि मिलिट्री बेस का भी वही हॉन्टेड वाला ही सीन है क्या, बट नहीं मिलिट्री बेस एकदम नॉर्मल है यार। ये रहे गार्ड्स वगैरह, सब कुछ ठीक है। चलो वापस चलो, वापस चलो कर्नल के पास चलो, कर्नल से बात करनी पड़ेगी। अरे हट जाए यार टैंक भाई। कर्नल तो नहीं है बाहर, फ्लोर पे जाना पड़ेगा क्या? अंदर सोल्जर्स होंगे तो उनसे कहता हूँ। अरे सर जरा कर्नल से बात करनी थी, मिलिट्री कर्नल से। यस सर, जरा उन्हें नीचे बुला दोगे? आ रहा भाई मिलिट्री कर्नल आ रहा है, नीचे ही आ रहा है। हेलो सर। हेलो, मैं फ्रैंकलिन। अरे आप तो जानते ही हो मुझे, इतना के इंट्रोडक्शन दे रहा है सर। वो एक्चुअल में लॉस सैंटोस के अंदर ये कुछ घोस्ट वोस्ट की तबाही मची पड़ी है सर। मेरा घर हॉन्टेड हो गया है, माइकल एक मेरा दोस्त है उसका घर हॉन्टेड हो गया है। तो वही सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा इस प्रॉब्लम को देखो और ज़रा इसको सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो, प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू। बै यार भाई मिलिट्री बेस आया था यार, मुझे लगा था शायद हेल्प मिलेगी, बट यहाँ पर मिलिट्री कर्नल कह रहा है कि लॉस सैंटोस की अभी किसी दूसरी जगह से भाई वॉर हो सकती है, और इसी वजह से भाई मिलिट्री कर्नल जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है आजकल, और इसलिए वो इस मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यस अब बै यार कौन है ये वॉर के पंगे लेना चाहता है? खैर अब मिलिट्री कर्नल तो भाई हेल्प करेगा नहीं, बट फिर भी सर कुछ तो हेल्प कर सकते हो आप, कुछ थोड़ी बहुत हेल्प भी हेल्पफुल रहेगी सर प्लीज़। ठीक है ये भी ठीक है। मिलिट्री कर्नल ने भाई हमें कहा है कि ये हमें एक गाड़ी देने वाले हैं जिस पे एक मशीन गन लगी हुई है, और वो गाड़ी थोड़ी बुलेट प्रूफ टाइप भी है, तो वो हेल्पफुल रहेगी घोस्ट से लड़ने में अगर घोस्ट वगैरह का कुछ सीन है तो। मिलिट्री कर्नल को अभी भी यकीन नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ। भाई मिलिट्री कर्नल को ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये जो भूत वाली जो भी बात है ये सब झूठ है। अरे सर सचमुच मेरा एक बार फ़ोन ठीक हो जाए, मैं आपको पूरा सबूत दे दूंगा। खैर कौन सी गाड़ी आप मुझे देने वाले हो ज़रा बता दो क्विकली, मैं लेकर ही जाऊँ अब उसे वेयर हाउस में। चलो देखते हैं इनके वेयर हाउस में भाई कहाँ है कोई गाड़ी।
दो मेनली ओपन वेयर हाउसेज हैं, एक सामने वाला और एक इधर। ओ यहीं पर है शायद। यस यस यस, यही वाली गाड़ी है। हेलो सर, मिलिट्री कर्नल का आपको कॉल आया होगा, कौन सी गाड़ी देने के लिए कहा गया है? अच्छा ये वाली, हाँ मेरे को लगा ही था भाई यही वाली गाड़ी है। एक काम करते हैं, अपनी जो बाइक है भाई इधर ही पार्क कर देते हैं और गाड़ी लेके चलते हैं। भले यार मिलिट्री वाले मेरी हेल्प ना कर पाए इस वक्त, भले मिलिट्री कर्नल हेल्प ना कर पाए, बट एटलीस्ट इन लोगों ने एक ये गाड़ी दी है, इससे मेरी सच में हेल्प हो जाएगी भाई। अगर वो घोस्ट मेरे सामने आया तो शायद मैं उस पर अटैक वगैरह भी कर सकता हूँ। तो ये गाड़ी भले ही उतनी हेल्पफुल ना लगे, बट है, हेल्पफुल है। एक बार थैंक यू बोल देते हैं मिलिट्री कर्नल को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ, अब निकलते हैं यार यहाँ से। चलो निकलते हैं इधर और खुल जा भाई गेट। ओके, अबे यार खुल रहा था वो अपने आप, तोड़ दिया मैंने फिर भी गलती से। एक बार देख लूँ यार ये ऊपर वाला जो वेपन है वो चल भी रहा है या फिर नहीं। कहाँ लेके टेस्ट करें? साइड में इधर, ठीक है। बस 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 चढ़ते हैं, ज़रा पीछे बैठना पड़ेगा यस उसको ऑपरेट करने के लिए। इधर से कहीं से, अबे नीचे क्यों उतर गया मैं? हाँ यहाँ से शायद एंटर करते होंगे। वेट गाइस, वेट, लेट मी एंटर। यस हाँ यहीं पर है इसका एंट्री पॉइंट। और यस, ओ नाइस, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, सही है, मशीन गन काम कर रही है भाई, बढ़िया है। बट इसके लिए दूसरा बंदा चाहिए, मैं नीचे बैठे बैठे गाड़ी ड्राइव करते करते इस मशीन गन को यूज़ नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं माइकल के पास गया था यार, वो मिला ही नहीं। एक बार फिर से जाके देख के आऊँ क्या? मैंने अच्छी तरीके से उसका घर पूरा चेक नहीं किया, एक बार चेक करना बनता है यार। एक काम करते हैं, माइकल के घर चलते हैं और उसके घर को एक बार अच्छी तरीके से चेक करके आते हैं। देखते हैं भाई, क्या पता माइकल इधर उधर कहीं कोने में छुपा हुआ मिल जाए, क्या पता वो उस हॉन्टेड घर की वजह से, उस भूत की वजह से डर के कहीं कोने में छुपा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक काम करते हैं, माइकल के घर को पूरी अच्छी तरीके से मैं चला भाई चेक करने। लेट्स गो भाई। दिन में ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, ये सारी गड़बड़ रात को ही हो रही है। हो सकता है जो भी ये माइकल का घर हॉन्टेड हुआ है ये रात को ही हो गया हो भाई, मे बी पॉसिबल। चलते हैं, अगर माइकल मिल गया तो वो सारी सच्चाई बता ही देगा। चलो भाई चलो 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 चलो, लेट्स डू एवरीवन, लेट्स गो। सीधे और फिर राइट, देन आ जाएगा अपने माइकल का घर। यस भाई वो रहा माइकल का घर, चलते हैं सिंपली। एक तो वो गार्डनर का सीन समझ में नहीं आ रहा भाई मुझे ढंग से। ओ अब ये गेट कैसे खुल गया? एक तो इस गेट का भी सीन समझ में नहीं आता है, ये गेट और भूत दोनों एक ही तरह है, कन्फ्यूजिंग। और ये गार्डनर भी भाई, चलते हैं ज़रा, लेट्स गो। माइकल मेरे दोस्त, माइकल, माइकल भाई हेलो। एक बार हर तरफ से, हर कमरे को एक एक बार अच्छी तरीके से चेक करते हैं। माइकल के ही रूम में नहीं गया था मैं इस स्केलेटन के खौफ की वजह से। चलते हैं ज़रा यहीं पे। माइकल बड़ी, सुन रहा है कि मेरी बात? ये कैसा दरवाज़ा है? चलते हैं ज़रा इसको ओपन करते हैं। अबे ये कहाँ गया? माइकल के इस रूम से कहीं तो पहुँच गया भाई, सीक्रेट सा रूम बना रखा है इन लोगों ने। चलते हैं नीचे, एक सीढ़ी जा रही है और ये सीढ़ी नीचे जा रही है और वेट, बेसमेंट। और बेसमेंट में है माइकल की पूरी फैमिली। आर यू सीरियस? हेलो भाई माइकल, अबे तुम लोग यहाँ कैसे पैक हुए पड़े हो बे? क्या सीन है? एक सेकेंड, इन्हें निकालना पड़ेगा। अबे लेकिन ये बेसमेंट तोड़ूं कैसे मैं, मतलब बेसमेंट कह रहा हूँ, ये जाले कैसे तोड़ूं? ये जाला हल्का सा लगता है माइकल ने तोड़ दिया है, रुको मैं पूरी कोशिश करता हूँ। रुक जा भाई माइकल, आई कैन डू दिस। रुक जा एक सेकेंड, रुक, मेरे पास एक शॉट गन है। माइकल डरियो मत। वैसे तू क्यों डरेगा? बस रुक जा माइकल, बस रुक जा, दो मिनट रुक जा बस। बहुत ही बढ़िया, आ जा यार, आ जा भाई, आ जा, पूरी फैमिली निकाल। और बता हुआ क्या ये सब, बता भाई सब कुछ मुझे, बिल्कुल शुरू से बता कि तेरा घर ये हॉन्टेड हाउस बना कैसे। ओके, तो जो बात ये माइकल बता रहा है भाई, ये चीज़ सुनने में बिल्कुल एकदम अलग ही लग रही है भाई। मुझ तो सीरियसली में यकीन नहीं हो रहा, बट अपना दोस्त कह रहा तो यकीन तो करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ भाई ये क्या कह रहा है। तुम याद करो भाई, लगभग कुछ दिन पहले क्या, आखिरी बार जब मेरी उस मुलाकात हुई थी भाई उस घोस्ट से, जब मैं फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर रहा था पुलिस वालों को दिखाने के लिए, ठीक है, उस रिकॉर्डिंग में अचानक से वो घोस्ट मेरे पीछे आया और उसने बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं था माउंट चिलियाट के एक विलेज के बगल में, ठीक है। उस रात हुआ ये था कि उस घोस्ट ने मेरे ऊपर तो अटैक कर दिया, अब वो घोस्ट हमेशा के लिए मुझे ख़त्म करने वाला था, पर उससे पहले माइकल वहाँ पर आ गया। और माइकल जैसे ही वहाँ पर आया उस घोस्ट को वहाँ से भागना पड़ गया। अब माइकल मेरी हेल्प करना चाह रहा था,
ठीक है, माइकल हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन वो घोस्ट अचानक से आ गया और उसने माइकल पर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से भाई माइकल को वहां से मुझे छोड़ के भागना पड़ गया। माइकल तो फिर वहां से भाग गया हेल्प वगैरह लेने के लिए, लेकिन घोस्ट ने मुझे टेलीपोर्ट करके फेंक दिया माउंट जिलियट के बगल में, और वो घोस्ट चला गया माइकल के पीछे अटैक करने के लिए। यस, माइकल डर के मारे अपने घर में आया और यहाँ पर इसकी पूरी फैमिली थी, और घोस्ट ने ये सीन किया कि भाई पूरी की पूरी फैमिली को ही इस बंकर के अंदर बंद कर दिया, जो कि माइकल के घर के अंदर ही बना हुआ है, और बाहर वैसे ही इसके घर को पूरा हॉन्टेड कर दिया है। ओ भाई क्या ड्रामा हुआ है ये, मतलब वेट, जो भी बंदा मेरी अगर हेल्प करने की कोशिश करेगा वो घोस्ट उस पर अटैक कर रहा है, सिंपली ये सीन है। क्योंकि देखो गाइस, माइकल ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की, माइकल पे अटैक हो गया, मैं अपना फ़ोन रिपेयर करवाने गया, वो बंदे मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, बट वहाँ पर उन बंदों पे अटैक हो गया, वो सारे घोस्ट बन गए। फिर एग्जैक्टली यही सीन हुआ जब मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे भी भाई वो बंदे मतलब मेरी हेल्प ही करते हो ऑब्वियसली, पर उससे पहले वो सारे घोस्ट बन गए। इसका मतलब मिलिट्री वाले भी, लेकिन नहीं, मिलिट्री वालों से मैं मिल के आया दिन के टाइम में, हाँ तो शायद वो लोग घोस्ट नहीं बने होंगे, क्योंकि ये सब जिस पे भी हमले हुए घोस्ट बने या जो भी प्रॉब्लम में फंसे, उन सब बंदों से मेरी मुलाकात रात के टाइम ही हुई थी, और वो रात को ही वो जो घोस्ट है वो एक्टिव रहता है। खैर भाई माइकल, उस घोस्ट को हमें मिल के ख़त्म करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा डेडली है, तू अपने परिवार को भाई कहीं सेफ जगह पे पहुंचा दे, वैसे भी तेरे पास इतने सारे घर है, किसी भी सेफ घर पे पहुंचा दे, और हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई लेस्टर के पास, क्योंकि अब लेस्टर ही है जो हमें प्लान बताएगा कि आखिरकार उस घोस्ट का क्या करना है। तो फटाफट से आजा भाई माइकल, निकलते हैं यहाँ से, जल्दी आ भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा सब कुछ, जल्दी आजा भाई, जल्दी आजा जल्दी, और अपनी फैमिली को पहुँचाने के लिए बोल दे कहीं, ये देख भाई, ये सब तेरे घर का क्या हाल हो गया, हॉन्टेड हाउस बन गया तेरा घर। ये गाड़ी क्या ही बताऊँ तुझे, मिलिट्री वालों ने दी है मुझे, जल्दी से आजा, किधर जा रहा है, गाड़ी में आजा फटाफट, और अभी लेस्टर के घर निकलना है तो इसलिए फटाफट आजा बिना टाइम वेस्ट किए। ओके गाइस, बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई वो घोस्ट। अब मुझे सारा सीन समझ में आ गया है, क्यों माइकल पे अटैक हुआ, क्यों माइकल का घर एक हॉन्टेड हाउस बन गया, क्यों वहाँ पर जब वो मोबाइल वाली शॉप पे गया था मैं, वहाँ सारे बंदे घोस्ट बन गए, ये सब सीन मुझे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। खैर अभी निकलना है हमें लेस्टर के घर की तरफ, क्योंकि लेस्टर इज़ द वन हु कैन हेल्प अस। यस गाइस, तो निकलते हैं फटाफट से, अपनी इस गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। माइकल उधर क्या एम करके बैठा है, उधर से नहीं आने वाला घोस्ट, दिन के टाइम पे तो वो कहीं से भी नहीं आने वाला। निकलते हैं गाइस लेस्टर के घर। यस, बारिश भी शुरू हो गई है भाई। खैर लेस्टर के घर पहुंच चुके हैं, राइट साइड में लेस्टर का घर, कहीं गया था शायद ये लेस्टर, पता नहीं आ गया है कि नहीं, या फिर कहीं गया भी था कि नहीं। ये रहा भाई, चल भाई माइकल आ जा यार, उस घोस्ट का इंतज़ाम तो करना पड़ेगा भाई कुछ ना कुछ, वरना वो घोस्ट ऐसे ही तबाही मचाता रहेगा। वो तो सही है यार, माइकल का घर एक बार मैं ऑलरेडी चेक करके चला गया, फिर दोबारा चेक करने गया तब मुझे भाई वो दरवाज़ा दिखा, और उसके थ्रू मैं नीचे गया तब पता चला कि माइकल की पूरी फैमिली कैद है, वरना तो भाई मैं कभी जाता ही नहीं, और ना मुझे कभी पता चलता कि माइकल के साथ ये सीन हो रखा है। लेस्टर भाई पे लेस्टर भी नहीं है भाई, इसका भी घर हॉन्टेड तो नहीं हो गया, नहीं इसका घर तो नॉर्मल ही है। लेस्टर ब्रदर कहाँ है तू, ओ लेस्टर भाई, ओ भाई लेस्टर, लेस्टर यार किधर है तू यार, कहाँ है तू भाई, पीछे तो नहीं है घर के, एक सेकेंड, अबे ये तो रहा, आजा भाई माइकल, ये रहा लेस्टर, भाई क्या कर रहा है इधर, बारिश से बचने के लिए इधर क्यों छुपा हुआ है, तेरा घर नहीं है क्या। खैर जो भी है, लेस्टर भाई यार तेरी हेल्प चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्प चाहिए तेरी, और तुझे मैं सारी चीज़ें शुरू से बताता हूँ, माइकल तू भी आजा, सारी चीज़ें इसे शुरू से एक्सप्लेन कर। सारी चीज़ें सुनने के बाद, समझने के बाद लेस्टर ने एक ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर भाई दिल खुश हो गया है। यस, ये भूतों वाले माहौल में, इतनी बर्बादी वाले, इतने हॉन्टेड वाले माहौल में भी दिल खुश हो गया, ऐसी बात बोली है भाई लेस्टर ने। अब वो ऐसी क्या बात बोली है, लेट मी टेल यू भाई। लेस्टर कह रहा है कि वो अभी कुछ दिनों पहले हैकिंग वगैरह कर रहा था, और हैकिंग वाली साइट पे उसे एक पैरानॉर्मल गन के बारे में पता चला है। पैरानॉर्मल गन, यस गाइज, ये एक ऐसी गन होती है जिससे तुम लोग घोस्ट को हंट डाउन कर सकते हो। यस, घोस्ट को हंट कर सकते हो भाई। तो लेस्टर कह रहा है कि उस गन के बारे में पता चला, तो इसने तो ऐसे ही इग्नोर कर दिया, अब इसने सोचा है कि हम लोग उस गन तक पहुंचेंगे और उस गन का यूज़ करके उस घोस्ट को हराएंगे। क्या लगता है लेस्टर भाई, ये गन जो है जिसके बारे में तो कह रहा है पैरानॉर्मल गन, ये सच में वर्क करती है। तुझे भी नहीं पता, पता तो किसी को भी नहीं है भाई ये गन वर्क करती है कि नहीं, बट देख तो भाई ये गन मिलेगी कहाँ, कौन से वेपन स्टोर पे, या फिर लॉस सैंटोस में कहाँ। ओके, तो प्रॉब्लम भाई अभी ख़त्म नहीं हुई है,
ऐसा लगता है कि सर चलो भाई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया, उसी वक्त एक और प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे ये वाली गन है, ये जो पैरानॉर्मल गन है, ये लॉस सैंटोस में एक बंदे के पास है और वो कोई बंदा नहीं है, वो गैंग है। यस गाइस, ये एक गैंग के पास है और हमें उस गैंग से फाइट करनी पड़ेगी, तभी अपने को ये पैरानॉर्मल गन मिलेगी। भाई बिना फाइट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है बिना फाइट? कैसे? अच्छा बात करके, ठीक है तू एक काम कर, उस गैंग का एड्रेस दे, हम लोग जाकर उससे पहले सिंपली बातचीत करेंगे, अगर बात बन गई तो ठीक है, वरना तो खोपड़ी उड़ाना आता ही है। वैसे आजा भाई लेस्टर, तू भी आजा हमारे संग, क्योंकि घर पे रहना इस वक्त सेफ नहीं है, क्योंकि तू हमारी हेल्प कर रहा है, और अगर तू यहाँ पर टिका तो मैं भी शायद घोस्ट तेरे ऊपर अटैक कर दे। माइकल की कहानी तूने सुनी होगी, जो अभी इसने तुझे बताया वो सब सच है, इसलिए भाई तू भी हमारे साथ चल। आ जाओ दोस्तों, चलते हैं फिर उस गैंग से फाइट करने के लिए, और छीन के लाते हैं पैरानॉर्मल गन। पहले तो देखो यार, बातचीत से मामला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे उनसे कि भाई दे दो, प्यार से दे दो यार, घोस्ट का आतंक मचा हुआ है, दे दो गन। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर तो लास्ट ऑप्शन है ही हमारे पास, तबाही का। आ जा भाई माइकल, तू कंट्रोल ले ले उस गन का, और लेस्टर भाई तू सिंपली आराम से पीछे बैठ सकता है। वाओ नाइस, अभी चलते हैं, बता उस गैंग का एड्रेस बता भाई लेस्टर, डायरेक्टली उस पते पे निकलते हैं और उस गैंग का पत्ता काटते हैं। आ जाओ, बारिश रुकी नहीं है भाई, और अभी हम लोग उस इलाके तक पहुंचने वाले हैं जहां पर वो गैंग रहती है जिसके पास वो पैरानॉर्मल गन है। एक बार बस ये पैरानॉर्मल गन हमारे हाथों में आ जाए, देन शायद उस घोस्ट का खेल ख़त्म कर सकते हैं हम लोग। खैर कोशिश तो यही रहेगी कि मिल जाए जल्दी से ये गन। पहुंचने वाले हैं भाई उस इलाके की तरफ जहां पर वो गैंग अपना कब्जा करके बैठी हुई है। अरे भाई कैसे चला रहा है यहीं लेस्टर भाई, आगे जाना है? ठीक है माइकल भाई, मैं कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ सब कुछ, गन तुझे बढ़िया तरीके से चलानी है, यही वाला है बेस। आर यू रेडी माइकल? ओके कम ऑन माइकल, अटैक डायरेक्टली। ओ नहीं, अटैक क्यों करना है लेकिन? पहले बातचीत। यस गाइस, डायरेक्टली अटैक नहीं, हम लोग अटैक करने वाले बंदों में से नहीं है, वो रहे शायद वो बंदे। मीटिंग चालू है क्या इनकी कोई? शायद, पता नहीं। ओ भाई इनके पास तो बुलेट प्रूफ जैकेट। अरे क्या हो गया, मीटिंग सच में चालू है क्या? पता नहीं भाई ये सब अलग अलग क्यों इकट्ठे हुए हैं। हेलो भाइयों, देखो सुनो मेरी बात, भाइयों ध्यान से सुनो, मैं तुम लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे ये पता चला है कि तुम लोगों के पास कोई पैरानॉर्मल गन टाइप की कोई चीज़ है। उन गन मैं अपने अंदर रख लूँ यार? हाँ तो भाइयों, मैं कह रहा था कि तुम लोगों के पास पैरानॉर्मल गन टाइप की कोई चीज़ है, मुझे वही चीज़ चाहिए। ओ नो, पैरानॉर्मल गन के बारे में बात करते ही भाई ये तो धड़ाधड़ गोलियां ही चला रहे हैं। माइकल कंट्रोल ले अपने हाथों में, कंट्रोल ले माइकल। ओ नो लेस्टर भाई, जल्दी बैठ। ओके लेस्टर बैठ गया। माइकल तबाही मचा दे। माइकल क्या हो गया? अबे गन स्टक हो गई क्या? ओ नो गाइस, अबे यार भाई माइकल, ओ नो भाई गन अटक गई है क्या माइकल भाई? अरे माइकल भाई क्या हो गया, चलाना गन। अब तेरे हाथों में कंट्रोल ही नहीं देना चाहिए था। नो गाइस छोड़ भाई, लगता है खुद ही पर्सनल फाइट करनी पड़ेगी। आ जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, आ जाओ भाई निकलो यहाँ से। भाई माइकल तू गन ले यार, लेस्टर को छोड़, तू गन निकाल अपनी। माइकल भाई गन, अबे तू गन नहीं लेके आया? अबे यार वो माइकल कह रहा है कि सीधे भाई वो बंधा हुआ था जेल में और उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर आ गया, गन का इसे याद ही नहीं रहा। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो बे? एक इनका गार्ड वहाँ पर क्या कर रहा है पता नहीं गाइस, वो भाग क्यों रहा है? वेट, उसी को पता है क्या पैरानॉर्मल गन कहाँ है? ओ नो भाई कंटिन्यूस फायर हो रहा है, पता नहीं माइकल का बच्चा कहाँ भाग गया। एक तो शायद गन लेने गया उनकी, भाई इनको तो चोट ही नहीं लग रही है, एक तो इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखे हैं। यार पहले सब कुछ पता करना चाहिए था कि ये कितने खतरनाक बंदे हैं, हमें लगा ऐसी कोई नॉर्मल सस्ती सी गैंग होगी, भाई ये तो कोई पावरफुल गैंग लग रही है। ओके ये लोग गए, ये लोग फाइनली, ये ले निकल। ओके गाइस, भाई यार कितने बंदे हैं, दिखने में तो ज़रा से बंदे दिख रहे थे, ये देखो ये किधर है, ये ले निकल। ओके और है क्या, ऑब्वियसली इधर है, ये ले पिस्टल से ही निपटा रहा हूँ मैं तो इन्हें। रुको उसकी गन उठाता हूँ, इस बंदे की गन दे, बहुत ही बढ़िया, तू भी गन दे, बहुत ही बढ़िया। अबे माइकल के बच्चे तू नहीं ऐसे गन उठा सकता क्या इनकी? पता नहीं वो तो कहाँ ही भाग गया यार माइकल। खैर अब इन्हीं की गन उठा के मैं इन्हीं की ज़िंदगी में तबाही मचाने वाला हूँ। ये ले निकल। लेस्टर का पता नहीं चल रहा भाई, लेस्टर आखिर गया कहाँ? खैर और पता नहीं कहाँ है यार ये लोग, गोलियाँ चलने की आवाज़ तो आ रही है। लेस्टर भाई तूने तो अलग ही डरा दिया मुझे, वहाँ पर कुछ बंदे हैं। ये ले और ये ले हेडशॉट बढ़िया है यार, बॉडी शॉट मारो ही मत, हेडशॉट मारो तब इन बंदों को चोट लगेगी। यस नाइस, एक और पीछे से भी कोई अटैक कर रहा है क्या यार? भाई कितने हैं? ओके इधर के तो निपट गए आई गेस, इधर और है, जल्दी चलते हैं। कितने थे भाई इधर बंदे टोटल? बारिश तो एक रुक नहीं रही है। ओके नहीं है इधर तो, नहीं है अब बंदे, वो दो इधर छुपे हुए हैं।
बेटा पीछे से अटैक कर दिया मैंने। लो ओ, ओ अभी भी इधर से गोली चली। इधर है, इधर है। रुक बे, रुक 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 रुक, सामने निकल निकल निकल। बहुत ही बढ़िया, निपट गया भाई ये। और कौन बचा है? आई गेस ख़त्म भाई। यस डेड, सारे बंदे फिनिश, फिनिश हो गए। यस ऑब्वियसली फिनिश हो चुके हैं गाइस यहाँ पर सारे के सारे बंदे। उनकी एक बाइक ब्लास्ट करते हैं और अब ढूंढना शुरू करते हैं कि इन लोगों ने भाई कहाँ रखी है वो गन। भाई साहब पैरानॉर्मल गन के बारे में बात करते हैं, इन लोगों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इतनी इनके लिए फेवरेट है क्या वो गन? हाँ वैसे पूरे लॉस सैंटोस में इकलौती गन इन्हीं के पास है, तो ऑब्वियसली उसके लिए लड़ेंगे तो सही है लोग। माइकल भाई आजा, कहाँ चला गया तू? वेपन्स तो नहीं खरीदने भाग गया वो? माइकल भाई कहाँ चला गया था? आ जाओ यार, अब ढूंढते हैं वो पैरानॉर्मल गन। ये देखो, अरे कितने बंदे बैठ सकते हैं यार इसके अंदर। पीछे देखो ये बैठ गया, आगे दो बंदे बैठ सकते हैं, बीच में तीन बैठ सकते हैं, पांचों को और पीछे दो, सात बंदे बैठ सकते हैं इस गाड़ी पे। वाओ इंटरेस्टिंग। खैर गन कहाँ ढूंढे? यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही थे ये बंदे, इसका मतलब गन यहीं आजू बाजू ही होगी। आ जाओ एक एक करके इन घरों के अंदर चेक करते हैं, कहीं ना कहीं तो गन होगी। वेट इसमें नहीं है भाई, यहाँ कोई भी गन नहीं है। नहीं इसके अंदर नहीं है। एक बार इसके अंदर चेक करते हैं, बहुत सारे बंदे यहीं पड़ते हैं कि थे, इसका मतलब गन तो यहीं है। इसका दरवाज़ा कहाँ है? अरे भाई इस घर का दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा है। इधर से है क्या? हाँ ये रहा। यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। एक इधर है घर, इसमें भी चेक कर लेते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पर कुछ है या फिर नहीं। इसके अंदर भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओ वेट है, इज दिस द गन वी आर लुकिंग फॉर? ओ यस यही तो है भाई। लेस्टर भाई देख, तुझे ही पता है, अबे तूने ही देखी है वो गन। लेस्टर देख भाई, यही है गन क्या? यही है। वाओ वी डिड इट गाइस, यही है वो पैरानॉर्मल गन। उठाते हैं इसे। ओके तो ये रही वो पैरानॉर्मल गन। वाओ यूनिक, नाइस, बढ़िया है। क्या स्पेशल? ओ भाई साहब क्या पावरफुल है। इसके अंदर सिर्फ 20 गोलियां हैं भाई, जिसमें से एक मैंने खर्च कर दी, अब 19 बची हैं। सोच समझ के ही गोलियां खर्च करनी पड़ेंगी। वैसे नहीं, गोलियां मान लो खर्च भी हो गई तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, इनके पास होंगी यार इस पैरानॉर्मल गन की गोलियां। खैर अभी निकलते हैं यहाँ से, रात का टाइम का वेट करते हैं और जब हमारे सामने आएगा वो घोस्ट, उस घोस्ट का मेन इंतज़ार करते हैं और जब सीरियसली में सामने आएगा उसकी खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। यस गाइस फाइनली हमारे पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसी पैरानॉर्मल गन है जिससे हम लोग भारी पड़ सकते हैं उस घोस्ट के ऊपर। अभी तक तो उस घोस्ट ने हमारी ज़िंदगी में तबाही मचाई, बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट अभी हम लोग उसकी ज़िंदगी में तबाही मचाएंगे। मिलिट्री वालों की गाड़ी काम तो आई गई भाई ठीक ठाक थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे ही उन लोगों ने अचानक से अटैक किया उस वक्त हमारे पास सिर्फ ये गाड़ी ही थी जिसमें हम लोग बच पाए, और ये एक बुलेट प्रूफ कार थी जिस वजह से भाई उनकी गोलियों का ज़्यादा कुछ फ़र्क हमें पड़ा नहीं। तो यस काम तो आई है ये गाड़ी, बाकी अब हमारे पास वो पैरानॉर्मल गन भी आ चुकी है। अब फाइट करेंगे इन घोस्ट से नेक्स्ट टाइम। आज की वीडियो तुम्हें बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।